तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 5 ग्रूमिंग टिप्स जिससे आप अपने आप को अपना एक बेटर वर्जन बना सकते हो। तो गाइस आज का जो मैं पांचों जो ग्रूमिंग टिप्स बताने वाला हूँ वो बहुत होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, इसीलिए किसी भी ग्रूमिंग टिप्स को मिस ना करें। तो गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले ग्रूमिंग टिप्स के ऊपर। तो अगर आपने अपने बालों में जो है हेयर ऑयल किया हुआ है और आपके बाल जो है अच्छे नहीं हैं, आपने आज शैम्पू नहीं किया है, तो आप सिंपली अगर बाहर जाते हो तो आपको लगाना है क्या, लगाना है कैप। कैप लगा करके गाइस आप अपने आप का जो है एक अच्छा लुक, बेटर वर्जन बना सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है कि अपने बालों को करना है थोड़ा नीचे, अपने कैप को लगाना है इस तरह से, और देख सकते हो कि आप कितने बेस्ट दिखने वाले। तो गाइस अगर आपके पास कैप नहीं है तो आप सिंपली अपने बालों में, या आपको अगर कैप नहीं लगाना है तो हेयर ड्रायर की मदद से पहले गाइस आपको क्या करना है कि अपने उल्टे बालों की तरफ आपको हेयर को ड्राई करना है, उसके बाद इधर से अपने हेयर को ड्राई करना है हॉट मोड पे, जिससे कि आपके बालों में आ जाएगा वॉल्यूम। गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर टिप्स और ग्रूमिंग टिप्स के ऊपर। गाइस सेकंड नंबर ग्रूमिंग टिप्स है क्या, अगर आपका रिस्ट, यानी कि अगर आपका रिस्ट जो है, कलाई जो है वो अगर आपका पतला है, थिन है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस अगर आपका रिस्ट पतला है और ये पोर्शन जो है आपका पतला है, तो आप सबसे पहले क्या करो कि अपने शर्ट को जो है फोल्ड कर पहनो। फोल्ड कर पहनने से क्या होता है कि एक अच्छा लुक आता है और साथ में जो है एक सिंपल शर्ट को एक अच्छा रूप देता है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कलाई पे एक ब्रेसलेट डालना है, जो कि कोई भी ब्रेसलेट होना चाहिए, जो कि आपके हाथों से दूसरों का ध्यान हटा करके आपके ब्रेसलेट पे जाएगा। आप क्या कर सकते हो कि अपने रिस्ट पे वॉच पहन सकते हो, जिससे कि आप अपने पतले रिस्ट को मोटे में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक इल्यूजन पैदा करता है जिससे कि आपके रिस्ट जो है मोटा दिखता है। तो गाइस लेट्स मूव टू आवर थर्ड नंबर ग्रूमिंग टिप, बियर्ड को ट्रिम करना। अगर आप जल्दी जल्दी में हो, आपको सिंपली क्या करना है कि लेना है ट्रिमर और इसका ऊपर का नोजल निकालना है और अपने बियर्ड को जो है शेप करना है। इसको सिंपली आप ऑन कर इसको शेप कर सकते हो जल्दी में, अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है तो। यह है एक ईजी तरीका जिससे आप अपने ग्रूम कर सकते हो अपने बियर्ड को। लेकिन गाइज आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो तो आप क्या करो कि अपने आर्म पीट के बालों को ज़रूर क्लीन करो, क्योंकि वहाँ से स्वेट बहुत ज़्यादा होगा, स्वेटिंग जो है बहुत ज़्यादा होगा समर में, जिसके कारण क्या होगा कि आपके शर्ट जो है वो भींगेगा और स्मेल भी करने वाला। तो गाइज आप क्या करो, आर्म पीट के बालों को ज़रूर सेव कर लो। तो गाइज ये था हम लोग का थर्ड नंबर ग्रूमिंग टिप्स। अब आते हैं फोर्थ नंबर ग्रूमिंग टिप्स पे, डक्टाइल टेप। आपको क्या करना है गाइज, सिंपली डक्टाइल टेप में इस तरह से निकालना है और आपको क्या करना है कि अगर आपके नोज पे ब्लैक हेड्स वगैरह है तो आप सिंपली इसको यहाँ से इस तरह से लगा सकते हो। आपको लगा करके सिंपली इसको तुरंत ऐसे करके निकाल लेना है और आप देख सकते हो कि इसका रिजल्ट कितना ही ऑसम आने वाला है। 2 मिनट में इसी तरह से अपने नोज के ब्लैक हेड्स को हटा सकते हो। लेकिन आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपके नोज पे ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो गाइस अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रूमिंग टिप्स पे, जो है क्या, जो है हम लोग का लिप्स। अगर चेहरे को कितना भी सजा लोगे और लिप्स जो है आपका पिंक नहीं रहने वाला है तो बहुत बेकार लगने वाला है। तो गाइस सिंपली लेना है आपको टूथब्रश, जिसमें कि आपको ऊपर में थोड़ा शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद सिंपली आपको होठों पे रब करना। तो गाइस जब 5 मिनट तक होठों को रब करो और रब करने के बाद आप देखोगे अपने लिप्स पे कि आपका लिप्स जो है पिंक होने वाला। तो गाइस ये था हम लोग का पांचों ग्रूमिंग हैप्स। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।